यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। जिला प्रशासन द्वारा मणिकर्ण घाटी में होटलों की जांच के दूसरे चरण में 48 होटल अवैध पाए गए हैं, तो वहीं एसडीएम कुल्लू ने भी डीसी कुल्लू के माध्यम से सबकी सूची तैयार कर हाईकोर्ट में पेश कर दिया है, जिस पर 30 मई को कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले जांच कमेटी द्वारा मणिकर्ण घाटी में जांच के दौरान 40 होटलों को अवैध करार दिया गया था, जिनके पास वन भूमि पर अतिक्रमण सहित अन्य पंजीकरण जैसी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई थी। तो वहीं अब हाईकोर्ट के आदेश के तहत मणिकर्ण घाटी में तीसरी दबिश भी दी जाएगी, जिसके चलते घाटी के कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन भी फिलहाल होटलों के कागजों की जांच करने में जुट गया है। राजस्व विभाग के साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आईपीएच, टीसीपी, जिला पर्यटन विभाग समेत अन्य विभाग पहले होटलों के तमाम दस्तावेजों को जांचा जाएगा, इसके बाद में वन विभाग के पास होटलों की निशानदेही की जाएगी। माननीय हाईकोर्ट शिमला का ऑर्डर था कि जो हमारी पूरी, उन्होंने तो पूरे कुल्लू के लिए कहा था, लेकिन मुख्यतः इसमें जो है पार्वती वैली जो है कवर की गई है। तो पहले चरण में जो है 60 होटल्स की इंस्पेक्शन की गई थी, उन 60 होटल्स में से 40 होटल जो थे वो वॉयलेशन में पाए गए थे। उनमें से कईयों में स्टैचुटरी रिक्वायरमेंट जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टूरिज्म से, या पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, या टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का सर्टिफिकेट जो है उनके पास नहीं पाए गए, और कई जो थे वो एनक्रोचमेंट पर भी पाए गए। फॉरेस्ट लैंड के ऊपर वो होटल बने थे,